राष्ट्रीय सेमिनार इंस्टीट्यूशन ने ऑर्गेनाइज किया है। इसका जो बायोटेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में कैसे हो सकता है, इसको लेकर के है। और मैं यहाँ पे आया हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी को हम लोगों ने साइकोलॉजिकल डायमेंशन के साथ भी मैच किया है, उसे मिक्स किया है, फ्यूजन किया है टेक्नोलॉजी एंड साइकोलॉजी का। उसके द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में हम एग्जैक्टली उसे पहुँच सकते हैं कि उस व्यक्ति की आई क्यू क्या है, वो व्यक्ति क्या पढ़ने के लिए बेटर है और क्या करने के लिए, राइट पर्सन फॉर राइट प्लेस, सही आदमी सही जगह पर हो, सही व्यक्ति सही विषय का अध्ययन करें। तो जिस प्रकार किसी मिट्टी की जांच होती है, उस मिट्टी की गुणवत्ता को जांच करके सॉइल टेस्ट साइंटिस्ट ये कहते हैं इस मिट्टी के अंदर में कपास की खेती करने के लायक है और इस मिट्टी में बादाम की खेती करने के लायक है। तो अगर हम दिल्ली में बादाम की खेती करेंगे तो बदनामी हो जाएगी, क्योंकि बादाम का पेड़ लग जाएगा, पत्ते आ जाएंगे, बादाम नहीं आएगा। ऐसे ही जिसके अंदर टेक्नोलॉजिकल गुण नहीं है, अगर उसने वो बीटेक करने पहुंच गया तो वो बीटेक तो कर लेगा, बट उसके अंदर वो उसकी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, डॉक्टरी की अगर वो चीज़ नहीं है। तो इस जो ये इसका जो देश है, इस पर जो हम लोग 9 ईयर बिफोर हमने एम्स में इसका रिसर्च स्टार्ट किया था, और अब इसमें हम लोग एक ब्रेन कार्ड पहुँच चुके हैं उस लेवल पर कि हर आदमी का जैसे आधार कार्ड ऐसे ही ब्रेन कार्ड हो, और उसमें उसको मार्क्स से नहीं जाना जाए, उसकी क्वालिटी से जाना जाए। उसे इंटरप्रेन्योरशिप को आप किसी से नाप नहीं सकते, उसकी उसके इंटरनल साइकोलॉजिकल असेसमेंट करके जान सकते हैं। तो एक तरफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट करके और एक तरफ बायोलॉजिकल असेसमेंट करके उसको हम स्टैम्पिंग कर सकते हैं कि इसकी ये कितना पॉजिटिव है क्वेश्चन, कितना उसके अंदर कंसंट्रेशन, कितना उसके अंदर है, कितनी उसकी आई क्यू चीज़ है। ये बायोटेक्नोलॉजी का एक जो योगदान है वो हेल्थ साइकोलॉजी के लिए, पॉजिटिव साइकोलॉजी के लिए बहुत बड़े रूप में चीज़ है। और ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कंट्री के लिए योगदान होगा। अभी हम इसको नेशनल मिशन के रूप में भी जो कैप कमेटी है उसमें भी से रखा गया कि जो जिसकी जिससे जिस प्रवृत्ति है उस दिशा में हम उसे डायरेक्शन दें, उसको हम उसको जान सकें चीज़ों को। लेकिन पहले भी होता था साइकोलॉजी के माध्यम से ऐसा कुछ होता था, बट उसमें एरर के चांसेस है। बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम को इस्तेमाल करने के बाद जो है वो जो हमारा एरर पॉइंट्स है वो चीज़ ख़त्म होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसका इनिशिएटिव मुझे लगता है ये जो MNNIT कर रहा है ये बहुत बड़ी शुरुआत है। और मैंने अब इस तरह कॉन्फ्रेंस को तो मैंने नहीं, जो कि बायोटेक्नोलॉजी सोशल इम्प्लीमेंट, ये जो सब्जेक्ट ही अपने आप में मुझे लगता है बहुत ही बौद्धिक तरीके से डिपार्टमेंट ने इसको सोचा है, और ये आने वाले समय की ज़रूरत है। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा राष्ट्रीय स्तर। मैं डॉक्टर आलोक मिश्रा हूँ, और मैंने एम्स से पोस्ट डॉक्टर किया है, डॉक्टरेट हूँ माइंड बॉडी मेडिसिन में, डॉक्टरेट किया है फिलोसफी ऑफ माइंड में, मैंने लंदन से क्रिमिनोलॉजी और लॉ की स्टडी की है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में रहा हूँ, वहाँ स्टेटलेस लॉ में स्टडी किया। तो बहुत सारे वो चीज़ें हैं। मैं हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी जूनल जस्टिस बोर्ड में रहा और मेम्बर मजिस्ट्रेट जे जे सिस्टम में रहा। तो एक बड़ा प्रशासन का जो अनुभव रहा, रिसर्च में अनुभव रहा, वो सारे चीज़ों का एक तरह लौटने के बाद एक फ्यूजन हुआ। और CVI चीफ जोगेंद्र सिंह जी जो रहे उन वो और डॉक्टर KC पाठक इंस्टीट्यूट ऑन कमीशन साथ मिलकर ब्रेन रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। मैं 2013 में इंग्लैंड से भारत लौटा, और लौटने के बाद ये लगा कि हम अभी तक हम खुद वो करते रहे। तो उसमें मैं यूनाइटेड नेशन यूथ ब्रांच का मैं चेयरपर्सन रहा लंदन में, वहाँ की बेंगलोर एक शाखा में। तो लगा मैं यूनाइटेड नेशन में यूथ डोनेंट वहाँ काम कर रहा हूँ, और यहाँ मोदी जी के कॉल पर हम लोग भारत लौटे जो है, और मेरी वाइफ भी वो कैंसर की डॉक्टर है, डॉक्टर मीना मिश्रा, वो फोर्टिस हॉस्पिटल में भी है। तो हम दोनों लोग उस कॉल पे भारत लौटे कि भारत में योगदान करें। जो को लौटने के बाद CIC ने कहा कि अभी तक तो सब कुछ ईम किया, किसी पोजीशन को लेकर के तो वो चीज़ है, बट जो सारा ये रिसर्च रहा इसको पब्लिक डोमेन में लैब से लाइफ में लाने की ज़रूरत है। तो CIC जोगिंदर सिंह जी के जो फॉर्मर रहे उनके मोटिवेशन से इसको हम पिछले एक साल हो गए हैं कि हम लोग इसे लीड कर रहे हैं। और राइट पर्सन फॉर राइट प्लेस, सही आदमी सही जगह पर हो, सही व्यक्ति सही चीज़ का अध्ययन करें उस चीज़ों को। तो इस मिशन के रूप में कि नो योर सेल्फ इन्हांस परफॉर्मेंस, आप अपने को जानें, अपनी प्रतिभा को इन्हांस करें, अपने बच्चे पे आप कोई प्रेशर नहीं डालें कि वो टेक्नोलॉजी पढ़ने जाए या बायोलॉजी पढ़ने जाए, उसके अंदर क्या है इस चीज़ को जानने का अभ्यास करें और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको वो करें। मुझे लगता है हम लोग डॉक्टर सर के साथ कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक नोडल सेंटर बने जो कम से इस रीजन में कि उनकी उनको हम दिशा दे सकें। तो समाज का बहुत बड़ा उपयोग है आदमी को सही रास्ते दिखाना।